खेरसौन में रूस की सेना का विरोध करना यूक्रेन के लोगों को भारी पड़ गया। रूसी फौज के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों पर सैनिकों ने कहर बरपा दिया और उन्हें तब तक खदेड़ा जब तक उनका हौसला न टूट जाए। आरोप लगाया गया कि खेरसौन में रूस के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें हुई नारेबाजी से रूसी सैनिक भड़क गए और उन्होंने भीड़ को वहां से अलग करना शुरू कर दिया। इधर सैनिक भड़के तो उधर प्रदर्शनकारियों ने भी हटने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के कई गोले दागे गए। आरोप लगाया गया कि रूसी फौज ने वहां लोगों पर लाठियां भी चलाईं, जिसकी वजह से दो लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें उनके साथी सहारा देते नजर आए। हालांकि कुछ लोग इसके बावजूद वहां से जाने को तैयार नहीं हुए, जिन्हें एक दूसरे वीडियो में रूसी सैनिक कई मीटर तक दौड़ा दौड़ा कर मारते नजर आए। इस बीच सूमे में रूस की मचाई तबाही के बाद राहत का काम तेज कर दिया गया। रूसी हमले के निशाने पर आए बिजली के प्लांट की मरम्मत के लिए वहां एक टीम पहुंची, जिसके सामने बिखरा प्लांट का मलबा किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके बाद उन लोगों ने प्लांट को रूसी हमले से पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। उनमें कुछ लोग क्रेन की मदद से उन पिलर को तोड़ते नजर आए जो कभी भी गिर सकते थे। साथ ही एक टीम खंडहर नुमा जगह से मलबा नीचे गिराती दिखी, जिसे खुदाई करने वाली मशीन की मदद से इकट्ठा कर लिया गया। सूमे के इस बिजली प्लांट को रूस ने मार्च में निशाने पर लिया था। आसमान में गरजते विमानों ने वहां इतनी मिसाइलें बरसाई थीं कि वो पूरी तरह तहस नहस हो गया।